लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं। राजनीतिक दल वोट जीतने के लिए पूरे भारत में कई रैलियां कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक विशाल रोड शो किया। रोड शो में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तमिल भाषा और तमिल संस्कृति को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने पूरा प्रयास किया है। मैं इस चुनाव के लिए आपसे अपील करता हूं कि आप एनडीए को वोट दीजिए। पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाया है। भारत पीएम मोदी के कार्यकाल में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस बार 400 पार कराना है। मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। चुनाव पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एनडीए के सभी नेता मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल गौरव को पूरे देश में और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है।